क्या बात है नीली, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे रो रही और कहती हो कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या बात है, बताओ। मुझे एक लड़की ने बहुत परेशान किया हुआ है। लड़की? कौन लड़की? इधर पास ही किसी घर में मूव हुई है। तो उसने आपको कहीं आते जाते देखा है, तो उसे आप पसंद आ गए हो। What? लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? कल वो यहाँ पे आई थी। No. हाँ, कल वो यहाँ पे आई थी, उसने मुझे खुद बताया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आप शादीशुदा हैं, नॉट इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनती नहीं। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? रोना तो क्या, और मैं हंसूं? और तो और, वो कह रही थी आज शाम को फिर आएगी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? वो लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर आपको पसंद आ गई तो। तुम बिना कैसी बातें करती हो, तुम कोई कम खूबसूरत हो है? इतनी छोटी सी बात पे यहाँ बैठ के रो रही हो? आने दो से, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर हमें कभी परेशान नहीं करेगी। अच्छा, अब होश? हाँ। वैसे ही परेशान ना आया करो। इट्स ओके। वेट करो, मैं खोलता हूँ। जी अंदर आ जाएं, आ जाएं। जी मैडम, क्या काम आपको? जी वो आई रियली लाइक यू, मुझे आपका नंबर चाहिए था। ओ, क्या हो गया? देखिए मैडम, मैं शॉर्टकट में बात करने का आदी नहीं हूं, हमेशा सीधी बात करता हूं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी वाइफ है और हम दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत खुश हैं। मेरा तेरा रिश्ता ना था, ना है, ना होगा। बेटर है कि आप दोबारा यहां मत आए, समझ आ गई? एक मिनट, मुझे नहीं लगता इसको ठीक से समझ आई है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी वाइफ है और हम 2-9-1-7 हैं, बहुत खुश हैं। मेरा तेरा ना रिश्ता था, ना है, ना होगा। बेटर है कि आप 2-12 यहां मत आए, अब समझ आ गई? समझ आ गई। बस इतनी सी बात थी। ओ, आप कितने अच्छे हैं, कोई और होता तो पक्का आपका नंबर दे देता। सो स्वीट।